आप लोगों ने भी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेज को फॉलो किया हुआ है, लेकिन उनमें से कई ऐसे पेजेस होते हैं जैसे मीम पेज या फिर शायरी पेज या फिर मोटिवेशनल कॉट पेज। तो इनमें से कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हमें लगता है कि यार हम भी कर सकते हैं, मैं भी मोटिवेशनल कॉट बना सकता हूँ, मैं भी मीम बना सकता हूँ, मैं भी शायरी लिख सकता हूँ, तो मैं भी क्यों ना इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाऊँ और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स लूँ। और फिर आप फाइनली डिसाइड करते हो कि यार मुझे भी इंस्टाग्राम पे पेज बनाना है, और आप लोग सर्च करते हो यूट्यूब पे कि इंस्टाग्राम पे पेज कैसे बनाएं, और आप लोग आ जाते हो इस वीडियो पे। तो मैं आपको आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं कि आप लोग इंस्टाग्राम पे पेज किस तरीके से बना सकते हैं और आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है पेज बनाते समय। बहुत मजेदार वीडियो होने वाली है, इसीलिए अभी से वीडियो को कर दो लाइक। और एक चीज आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में बतानी है कि आप लोग किस टाइप का पेज बनाने वाले हो इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप लोग किस तरीके का पेज ज़्यादातर बनाना चाहते हो इंस्टाग्राम पे। तो कमेंट सेक्शन में भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार इतने ज़्यादा लोग हैं जो इस टाइप का पेज बनाना चाहते हैं, इसीलिए कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मिस्टर एम फॉर यू यूट्यूब चैनल। सो बिना टाइम गवाए आज के इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज हम लोग जानते हैं कि हम लोग इंस्टाग्राम पे पेज कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप ये होगा कि हम लोगों को इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना होगा। अब आप में से कई लोग बोलेंगे मेरे पास आईडीज है तो मैं नया अकाउंट क्यों बनाऊं, तो मेरा आप लोगों को ये सजेशन होगा कि भाई एक नई आईडी बना लो, क्योंकि आप लोग कोई पेज बनाने जा रहे हो और पुरानी आईडी पे बनाओगे जिसमें 250 फॉलोवर है उनमें से एक्टिव भी कोई नहीं है, तो उससे बेहतर ही होगा एक बिल्कुल फ्रेश अकाउंट बनाओ, क्योंकि फ्रेश अकाउंट पे जो रील्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। तो सजेशन तो यही होगा, बाकी आपकी मर्जी है। जिन लोगों को नहीं पता कि इंस्टाग्राम पे अकाउंट कैसे बनाते हैं उन लोगों के लिए हम लोग पहला स्टेप क्लियर कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं, इंस्टाग्राम सर्च करा, इंस्टाग्राम को यहाँ से ओपन करेंगे। तो अगर आप लोगों की कोई एग्जिस्टिंग आईडी और आप लोग दूसरी आईडी ऐसे क्रिएट करना चाहते हो तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पे ऐसे क्लिक करना होगा और ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देना होगा। तो पहला तो तरीका हो गया ये वाला, आप लोग क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। लेकिन काफ़ी लोग क्या होता है कि पहली बार ही ऐसे इंस्टाग्राम इंस्टॉल करते हैं, तो मैं वो वाला भी प्रोसेस बता देता हूँ। जो लोग पहली बार इंस्टॉल करते हैं तो उन्हें क्या करना होगा, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा ऐड वाले अकाउंट पे। तो यहाँ पे हम लोग फिर क्लिक करेंगे लॉग इन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट, फिर उसके बाद हम लोगों को क्लिक करना होगा स्विच अकाउंट पे। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। तो जो लोग इंस्टाग्राम पहली बार इंस्टॉल करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है, तो उन्हें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है साइन अप वाले ऑप्शन पे। बाकी जो हमारे पुराने इंस्टाग्राम यूज़र हैं उनको तो पता है कैसे दूसरा अकाउंट बनाया जाता है। तो यहाँ पे अब आप लोगों को अपने पेज का यूज़र नेम डालना होगा कि आप लोग अपने पेज का यूज़र नेम क्या रखना चाहते हो, कुछ भी रख सकते हो। बट तो मेरा तो ये सजेशन होगा जैसा भी आप पेज बनाना चाहते हो उससे रिलेटेड रखो। जैसे शायरी से बनाना चाहते हो तो ऐसा रखो कि सबको समझ में आए कि शायरी पेज है, या फिर मीम पेज से रिलेटेड पेज बनाना चाहते हो तो उससे रिलेटेड रखो। जस्ट एक सजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अभी कुछ भी इंटर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए पेज बना रहा हूँ, ना कि मैं यहाँ पे पेज चलाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं जो हम लोगों को यूज़र नेम मिल जाए। तो यहाँ पे जैसे मैं रख देता हूँ एम फॉर यू का पेज, ठीक है, तो ये मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सही लिखना है मुझे एम फॉर यू का पेज। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हाँ भाई ये अवेलेबल है। तो मैं आपको बता दूँ आप लोगों को यूनिक यूज़र नेम रखना है जो यहाँ पे अवेलेबल हो, वरना ऐसा कुछ रखोगे तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं हम लोग अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड रखना है, तो पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हो जो आपको याद रहे और दूसरों को ना पता लगे। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया है। अब आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा रिमेंबर पासवर्ड, तो उसको अगर आप टिक रहने दोगे तो आप लोगों की इंस्टाग्राम आईडी लॉगिन रहेगी अगर आप लोग लॉग आउट करते हैं उसके बाद भी। तो आपके ऊपर है आप लोग क्या करना चाहते हैं, तो मैं इसे टिक रहने देना चाहता हूँ, तो नेक्स्ट पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे हम लोगों को कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा, तो अब हम लोगों को क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पे ऐड न्यू फोन नंबर और ईमेल, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अगर हम लोगों के पास नंबर है तो हम लोग नंबर से आईडी बना सकते हैं, या फिर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा नंबर नहीं है मेरी तरह तो आप लोग ईमेल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरी पब्लिक ईमेल आ रही है तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ पहले, तो इससे बनाने से कोई मतलब नहीं है, हम लोग एक नई ईमेल से यहाँ पे अकाउंट बनाने वाले हैं। तो मैं ईमेल को एंटर कर देता हूँ, ठीक है, ईमेल को एंटर करा और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद हमारी ईमेल पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड, जो हमें एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कोड है वो मेरी ईमेल पे सेंड कर दिया गया है, अब वो मैं फटाक से एंटर कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मेरी ईमेल पे कोड आ चुका है, जो कि यहाँ पे मैं आपके सामने एंटर कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कोड ये रहा, तो हमें ये कोड एंटर करना पड़ेगा यहाँ पे कन्फर्मेशन वाली जगह पे। तो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं कोड क्या है, 2073 और यहाँ पे 48 है, ठीक है, एंटर कर देते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पे हमारी जो आईडी है वो रजिस्टर हो रही है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी आईडी बन चुकी है। अब हम लोग इसको यहाँ पे स्किप पे क्लिक कर देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे स्किप पे क्लिक करा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग अपनी इंस्टाग्राम आईडी में आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। हम लोग प्रोफाइल वाले सेक्शन में चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे अब आप लोगों को क्या क्या करना है। देखो सबसे पहले तो मैं पेज बनाना आपको बता दूंगा, उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि आप लोगों को अपना लोगो जरूर से रखना है। लोगो ऐसा बनाओ जो आपके पेज से रिलेटेड हो। बायो वगैरह एंटर ज़रूर करना है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप में। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ पेज कैसे बनाया जाता है। उसके लिए हम लोगों को सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद हम लोगों को अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो मैं फटाफट प्रोसेस बता रहा हूँ लेकिन आप लोगों को ध्यान से देखना है। उसके बाद हम लोगों को इस तरीके से यहाँ पे स्क्रॉल कर देना होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, तो इस पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम लोगों को ये सारी चीज़ें बता रहा है कि आप लोगों को ये चीज़ें मिलेंगी। तो आप लोगों को ये चीज़ करना ज़रूरी है अगर आप लोग पेज बनाना चाहते हो, क्योंकि ये पेज बनाने का एक प्रोसेस है। तो कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करा। अब यहाँ पे हम लोगों को अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। तो अगर आपका पेज जैसे मीम से रिलेटेड हो तो आप इंटरटेनमेंट यहाँ पे कर सकते हो, इंटरटेनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा तो मुझे इंटरटेनमेंट ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप लोग बिजनेस वगैरह जो भी आपके हिसाब से यहाँ पे सर्च कर सकते हो, जिससे भी रिलेटेड आपका पेज है। तो इंटरटेनमेंट वेबसाइट, इंटरटेनमेंट लॉयर, आर्ट्स एंड इंटरटेनमेंट, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, पब्लिक फिगर भी कर सकते हो, जो भी आपको रखना है। पर पेज के लिए पब्लिक फिगर सही नहीं होता है। यहाँ पे आप लोगों को सजेशन भी मिल जाते हैं, जैसे अगर आप लोग कम्युनिटी बना रहे हो तो कम्युनिटी भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कम्युनिटी कर देता हूँ। तो मैं अपने पेज की कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ कम्युनिटी। अब आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, कि आप लोग अपनी कैटेगरी को डिस्प्ले करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं कम्युनिटी करना चाहता हूँ तो ठीक है, मैंने ऑन कर दिया। अब हम लोगों को सिंपली डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे तो ये बता रहा 30 सेकंड लगेंगे हमारे पेज को बनने में, बट इतना नहीं लगता है, हो जाता है। आपके नेट कनेक्शन पे डिपेंड भी होता है और कई बार इंस्टाग्राम पे भी डिपेंड होता है, ठीक है। तो गाइज वो प्रोसेस जैसे कंप्लीट होगा हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। और अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, क्रिएटर और बिजनेस। तो अगर आप लोग पेज बना रहे हो तो आपको बिजनेस सिलेक्ट रखना है और दूसरी चीज सिलेक्ट नहीं करना। तो क्रिएटर वो लोग होते हैं जो पब्लिक फिगर वगैरह होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक कम्युनिटी बना रहे हैं तो वो एक बिजनेस में आएगा, इसलिए आपको बिजनेस सिलेक्ट रहने देना है। तो उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। तो यहाँ से मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि नंबर्स वगैरह आ रहे हैं, मेरा ये सब चीज़ें शो हो रही है। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा डिस्प्ले कॉन्टेक्ट इन्फो, तो आप क्या कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, अगर ऑन कर दूंगा ना तो सब लोगों के पास नंबर चले जाएंगे, मतलब वो कॉल वगैरह कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। ये बोल रहा है आप फेसबुक के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं क्या? जी नहीं, मैं फेसबुक के साथ अभी तो नहीं कनेक्ट करना चाहता, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो अगर आप लोग ये चाहते हो कि मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूं और फेसबुक पे भी ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाए, तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। लॉग इन इंटू फेसबुक करोगे, दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर दोगे तो वहाँ भी पोस्ट होगा, ठीक है। तो स्किप कर देता हूँ अभी फिलहाल में मैं से। तो यहाँ पे बता रहा है 4 स्टेप कंप्लीट करो, 5 स्टेप जो भी कंप्लीट करो। तो यहाँ पे हमें कंप्लीट करनी होगी, तो कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या क्या एंटर करना है, सबसे पहले डीपी एंटर करनी है, फिर बायो करना है, नेम करना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे डीपी सिलेक्ट करनी होगी हमारे पेज की। तो मैं मान लेता हूँ कि आप लोगों के पास लोगो है, मैं एग्जाम्पल के लिए यही लोगो रख लेता हूँ। इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये हो गया सिलेक्ट। और अब हम लोगों को हमारे पेज का नाम देना है, तो ये पहले तो डीपी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग पेज का नाम यहाँ पे दे सकते हैं, तभी हम लोगों का पेज प्रॉपर तरीके से क्रिएट होगा। ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं रख देता हूँ मनीष का पेज नहीं था हमारा नाम, M4U का पेज था, ठीक है, M4U का पेज, ये देखिए। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया। आप लोग यहाँ पे अपना नेम वगैरह जो भी आपके पेज का लिख सकते हैं। बायो में आप लोगों को ज़रूर ऐसा लिखना है ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करें। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, बट आपको यहाँ पे अच्छा बायो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जस्ट मीम्स लिख रहा हूँ, भले हम लोग शायरी पेज बना रहे थे, मैंने मीम्स लिख दिया है। तो अब हम लोगों को एक ऑप्शन दिख रहा है लिंक वाला, तो अगर आपकी वेबसाइट वगैरह तो आप एंटर कर सकते हो। तो मेरी ऐसी कोई वेबसाइट वगैरह नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको मतलब ऐसे लीव कर देता हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है इस तरीके से। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बता रहा है जो आपका पेज है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया, सेटअप योर प्रोफेशनल अकाउंट, यहाँ पे हम लोगों को कर देना है। अब आपका इंस्टाग्राम पेज रेडी है। अब आप लोग सिंपली यहाँ से जाके अपने इंस्टाग्राम पे फोटोज, वीडियोस, रील्स, स्टोरी जो भी पोस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। और ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हैं।